राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के भाजपा के दावों के बीच प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन जुबान पर भाजपा कम और एनडीए का नाम ज्यादा रहा। 34 मिनट के धन्यवाद भाषण में भाजपा का नाम 6 बार लिया तो एनडीए भाजपा के सहयोगी दल का हवाला 8 बार आया। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया। उन्होंने दोनों के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन की सराहना की, साथ ही तीसरे कार्यकाल में एनडीए नेतृत्व में अच्छा काम करने का भरोसा दिया। दरअसल 2014 और 2019 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली भाजपा इस बार बहुमत से दूर है। पार्टी 240 सीट के करीब सिमटती दिख रही है, यानी बहुमत से 30 से 32 सीट कम। चंद्रबाबू की टीडीपी 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पीएम के भाषण के ठीक 1.5 घंटा पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों ने सरकार बनाने के लिए टीडीपी और जेडीयू के समर्थन के सवाल पर इनकार नहीं किया था। खड़गे ने तो यहाँ तक कहा कि अभी यह सब बता दूंगा तो मोदी जी अलर्ट हो जाएंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।